रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवस्थित जो मनु टेम्पल है उसका छोटा सा ट्रैक का एक वीडियो दिखाया था, बहुत ही प्यारी लोकेशन थी, तो उसी का पार्ट है। वहाँ कुछ मैंने बोला था, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो देखने के पश्चात वो ज़रूर देखिएगा। और उसमें बोला था कि एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एक जो ट्रैक होता है जहाँ बर्फ़ होती है, वो आपको मैं दीदार करवाऊँगा यदि समय मिला तो। तो हमारी टीम के सदस्य हैं राजकुमार जी, और उनके इस जो टीम के सदस्य हैं उन्होंने यहाँ जो ट्रैक किया और जो अद्भुत नज़ारे हैं वो आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप ट्रैक करने के शौकीन हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के, तो इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर दिए गए हैं, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके बारे में और भी मैं जानकारी देने वाला हूं। तो इस प्रकार की बर्फ़ वहां आपको मिलेगी, बर्फ़ तो हमेशा ही आपको वहां मिल जाएगी। हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, ट्रैकिंग लंबा ट्रैक करके जाना पड़े, अभी फ़िलहाल आप यात्रा ना कीजिएगा क्योंकि अभी पेंडेमिक सिचुएशन है। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपको हम एक्चुअली तो नहीं विजुअली आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हम दीदार करवाते रहेंगे। तो इस प्रकार के नज़ारे हैं, थोड़े दिनों के अंदर यहाँ पूरी तरह हरियाली ही हरियाली छा जाएगी। तो जो ये हिमालय है, हरितमा की चादर ओढ़े और बर्फ और ऊपर ब्लू स्काई का जो सम्मिश्रण होगा वो आपको मनमोहित करने वाला होगा। और आप इन जो चोटियाँ है, जो सफ़ेदी चांदी जैसी सफ़ेदी चमकने वाली जो इन बर्फ को आप नज़दीक से दीदार करना चाहेंगे, तो ज़रूर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ की यात्रा कीजिएगा। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ और जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप निवेदन रहेगा कि लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, हर चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ फूल भी खिलते हैं, इतने फूल आप बगीचे के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो भी प्राकृतिक रूप से। तो उसकी एक मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। तो यह वही इलाका है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसकी भी क्लिप मैं साथ में दिखाऊंगा। तो यहाँ फूल थे और बैकग्राउंड के अंदर स्नो केप माउंटेन ब्लू स्काई थे। तो उससे जो ये आगामी जो समय है जून के अंदर, वो वापस फूल आपको दिखाई देने वाले हैं। वो सेम के सेम मैंने वो वीडियो क्लिप आपको मैं दिखा रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ का जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो कैसा होता है। तो लीजिए आपके सामने मेरे जो शब्द है, इनकी जो सुंदरता है, यहाँ का जो माहौल है वो वर्णित नहीं किया जा सकता, इनको शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। इस जो प्राकृतिक सौंदर्य है, क्या आप इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही लोकेशन का ट्रैक करने के लिए आप जा सकते हैं राजकुमार जी के साथ, और वो यहाँ जो पाए जाने वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके आप विशेषज्ञ मान सकते हो, इतनी बारीकी से उनको जानकारी है। तो इससे मैंने जो पहले वाली क्लिप दिखाई थी और ये क्लिप दिखाई थी वो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा सीज़न का अंतर है। अब थोड़े दिनों में ऐसा ही होने वाला है, बर्फ़ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप खुद जो भी एक्टिविटी खुद करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप बिना अनुमति के बिना पास बनाए हुए यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए आपको प्रॉपर अनुमति की ज़रूरत होती है, अनुमति ज़रूर लीजिएगा। और साथ में स्थानीय गाइड को मैं प्रिफर करूँगा क्योंकि जो यहाँ जीव जंतु पशु पक्षी पाए जाते हैं उनको जितनी जानकारी है कि ये कौन सा जीव हानिकारक है, कौन सा नहीं है, कौन सा ये जड़ी बूटी है, वो सब जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे। इसलिए आप जब भी यहाँ ट्रैक करें तो आप गाइड, स्थानीय गाइड है वो ज़रूर हायर कीजिए, ये मेरी सलाह है, रिकमेंडेशन है। और यहाँ बहुत सारे आपको नेचुरल वाटरफॉल रिवर्स बहुत ही, और थोड़ा सा अभी जो बर्फ़ तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी यहाँ, और जुलाई तक स्नोफॉल मिलता है। स्नोफॉल अब मई के अंदर हुआ था, मई में स्नोफॉल नहीं होता लेकिन आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो हमारी टीम के सदस्य हैं
उन्होंने इस प्रकार की एक्टिविटी और जो एंजॉय किया है जिससे दिल खुश हो जाएगा। अब आपको मैं वाटरफॉल के जो नज़ारे हैं वो दिखा रहा हूँ। तो मैं अपने जो फेसबुक पेज है और एक मैंने यूट्यूब का दूसरा चैनल बनाया है उसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फॉलो कीजिए। बाय द वे कभी ये जो चैनल हैक हो जाता है तो उस पर आपको हम मिल जाएंगे। और ये गत दिनों मई के अंदर जो स्नोफॉल हुआ उसके आपको मैं नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ। अभी भी ये नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है और ऊपर तो बर्फ़ आपको जुलाई तक स्नोफॉल मिल जाएगा। और जब पेंडेमिक सिचुएशन सही हो, कोरोना वायरस कंट्रोल में आ जाए तो आप ज़रूर परमिशन लेकर यहाँ की यात्रा कीजिएगा। और कोई भी डिटेल है पूछना तो ज़रूर पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।